नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्व मित्र। द मसला में मसला ये है कि कल यानी 20 जुलाई को हरियाणा और पंजाब की सड़कों पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर होंगे। क्यों होंगे ये हम आपको बताएंगे। किसान 20 जुलाई को ट्रैक्टरों के साथ ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाकर आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। किस बात को लेकर? जो 3 अध्यादेश आ रहे हैं सरकार लेकर आ रही है, उनके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि ये जो 3 अध्यादेश हैं ये किसानों के हित में हैं, किसानों के फायदे के लिए हैं। लेकिन किसानों को लगता है कि ये किसानों के फायदे के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों और बड़े व्यापारियों के हित में हैं, उनके फायदे के लिए हैं। भाइयों को सूचित किया जाता है कि केंद्र सरकार ने 3 नए अध्यादेश जारी किए हैं, जिससे हरियाणा और पंजाब की मंडियां टूटेंगी और सारे अनाज की खरीद प्राइवेट कंपनियां बाजार भाव पर करेंगी और किसानों को सरकारी भाव नहीं मिलेगा। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ट्रैक्टरों पर काले झंडे और किसान ये जो 3 अध्यादेश हैं इनमें क्या क्या है और किसानों को क्या लगता है इनके बारे में। पहली बात है कि अब जो किसान है वो कहीं भी किसी को भी अपनी फसल बेच सकते हैं। अब देखने और सुनने में ये अच्छा लगेगा कि किसान कहीं भी और किसी को भी अपनी फसल बेच सकते हैं, लेकिन इसमें किसानों को डर है कि इसमें मंडियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, व्यापारी कहीं से भी फसल खरीद सकेंगे। दूसरा ये है कि जो एक मंडियों में कंपटीशन होता है व्यापारियों के बीच में, एक MSP होता है कि उससे ज़्यादा फसल कोई ले सकता है। अब किसानों को डर है कि ये MSP ख़त्म हो जाएगा और औने पौने दामों पर उनकी फसल जो है वो खरीदी जाएगी। ये 2 बातें हैं। किसानों को लगता है औने पौने दामों पर यानी कि रेट कम मिलेगा फसल का और मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि कुछ साल पहले 2006 में बिहार में भी ऐसा सिस्टम लाया गया था, APMC और जो MSP है उनको ख़त्म कर दिया गया। शुरू शुरू में किसानों को बड़ा उत्साह था कि वहाँ उनकी जो फसल है अच्छे दाम पर बिकेगी, लेकिन क्या हुआ कि नतीजा जो है वो किसानों के हक में नहीं रहा। अब देखते हैं कि वहाँ पर धान और गेहूँ वो भी सही कीमत पर किसान का नहीं बिकता। बड़े बड़े व्यापारी वहाँ पर कम रेट में किसान का धान और गेहूं खरीदते हैं और आप सब देखते होंगे वो व्यापारी फिर ट्रक भर भर के हरियाणा और पंजाब की मंडियों में आकर बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको MSP यानी कि जो एक निश्चित प्राइस है उसके तहत उनको रेट वहाँ पर मिल जाता है। तो इस बात का डर है कहीं वैसा ना हो जाए। हालांकि सरकार कह रही है कि APMC खत्म नहीं किया जाएगा और MSP में भी कोई बदलाव अभी नहीं किया जाएगा, लेकिन किसानों को डर है कहीं कल को ऐसा हो गया तो फिर उनकी जो फसल है वो कम रेट पर बिकेगी, उनको नुकसान होगा। हमने हमारे देश के जाने माने जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं देवेंद्र शर्मा जी, उनसे बात की तो देवेंद्र शर्मा जी ने हमें कहा कि देखिए सर्व मित्र, इसमें क्या है कि अमेरिका में भी यही तकरीबन सिस्टम है, वहाँ पर APMC नहीं है, MSP नहीं है, किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। लेकिन इतने बड़े मुल्क में भी कि वहाँ पर इतना एडवांस है सब कुछ, वहाँ पर भी इस चीज़ का फ़ायदा किसानों को नहीं मिला है। किसानों की हालत वहाँ पर भी अच्छी नहीं है। वहाँ पर क्या है कि आर्थिक सहायता देकर, बड़ी सब्सिडी देकर कृषि को बचाया जा रहा है। अब देखिए, अगर इतने बड़े मुल्क में, विकसित देश में इस चीज़ का फ़ायदा वहाँ पर किसानों को नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर क्या गारंटी है कि वो कामयाब हो जाएगी ये जो नई स्कीम है। तो पहली बात ये। दूसरा अध्यादेश ये है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उनमें से कुछ चीज़ों को बार किया जा रहा है और उसमें फिर स्टॉक रखने की जो सीमा है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। इसमें क्या है कि जो अनाज है, दालें हैं, खाद्य तेल है, प्याज आलू है, अगर ये चीज़ें आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर हो जाएंगी, मतलब कोई भी बड़ा व्यापारी जो बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, वो अगर अनलिमिटेड स्टॉक कर लेंगे इन चीज़ों का,
तो उसके बाद इन चीज़ों की कालाबाजारी हो सकती है। कालाबाजारी के तहत ये चीज़ें बाजार में बिकेंगी, जिसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, महंगाई बढ़ेगी और आम जनता पर भी इसका असर जो है वो पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है जिस बात को लेकर किसान डर रहा है। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी, ऐसा अमेरिका में भी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी किसान डर रहा है। किसान को लगता है कि उसका वजूद खत्म हो जाएगा, कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो फसल है वो अपनी मर्जी से बीजता है वो खत्म हो जाएगी। तो ये तीन अध्यादेश हैं जिनको लेकर किसान जो है वो डर रहा है, और इस बात के लिए किसान 20 जुलाई को अपने ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन कर रहा है। हरियाणा पंजाब में ये देखा जाएगा, आप भी देखेंगे। ये ठीक वैसा ही होगा जैसा कुछ समय पहले हरियाणा की सरकार ने एक नई स्कीम लाई थी, मेरा पानी मेरी विरासत, कि कई इलाकों में जो है वो किसान 50% से ज़्यादा अपनी जमीन पर धान की खेती नहीं लगा सकता। तो उसके विरोध में फिर किसानों ने प्रदर्शन किया था। रतिया के किसानों ने रतिया से लेकर फतेहाबाद तक अपने ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन किया था। ये ठीक वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। और बड़े देशों में, जो विकसित देश हैं, वहाँ पर किसान अक्सर ऐसा करते हैं। जब कभी भी किसानों को विरोध करना होता है तो वो अपने ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन करते हैं, और उनके पास तो बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, आप देखते होंगे। तो किसान अब हरियाणा पंजाब का ऐसा ही करने वाला है। देखना होगा कितना असर होता है किसानों के इस आंदोलन का सरकार पर। दोस्तों, किसान की हालत क्या है हमारे देश में? पहले ही कितनी फसलों का उसको MSP मिलता है, ज़्यादातर फसलें तो MSP के बिना ही किसान बेचता है, औने पौने दामों पर उसकी फसल बिकती है, समय पर पैसा भी नहीं मिलता है। अब किसान को लगता है कि अगर MSP खत्म हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, किसान का क्या बनेगा। हालांकि सरकार को इसका मूल्यांकन करना चाहिए, सरकार को जो MSP है वो कानूनी अधिकार बना देना चाहिए किसान के लिए, कि ये MSP रहेगा इस फसल का, इससे कम में कोई भी व्यापारी या अधिकारी नहीं खरीद पाएगा। तो ये जो नए अध्यादेश आ रहे हैं, सरकार को इनका मूल्यांकन करना चाहिए ताकि किसान को किसी भी तरह से कोई घाटा या नुकसान ना। किसान को पहले ही कितनी आमदनी होती है, अब किसान के भी ख्वाब हैं कि ना सिर्फ गुजारा ही उसका चले, बल्कि वो भी चाहता है कि उसके भी बच्चे जो हैं वो UPSC की तैयारी करें, उसके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, उसके भी बच्चे जो हैं बड़े अफसर बने। इसलिए किसान सिर्फ गुजारे पर ही निर्भर नहीं रह सकता, किसान के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए सरकार की ओर से ताकि उसको दो पैसे का फायदा हो। सो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम सही मुद्दे उठाते हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, और अगर आप भी चाहते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता, तो फिर आप द मसला को सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ भी, कोई भी राशि देकर आप सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए गए हैं, आप उन पर जाकर द मसला को सपोर्ट कर सकते हैं। वहीं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है। इस वीडियो को अगर आप द मसला के YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना है, और वहीं अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करना है, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक उसी समय पहुँच सके। धन्यवाद, नमस्कार।